स्पेशल चीज़ ये कि अभी जो कराची में मैचेस हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे ना स्पिनर्स को लंबे गेंदे लंबे ओवर्स मिल रहे हैं। पहले सीजनों में जब होते थे तो ग्रासी पिचेस होते थे, पंजाब साइड मैचेस होते थे, वहाँ पे स्पिनर्स को सिर्फ फास्ट बॉलर को रेस्ट कराने के लिए 8 से 6 ओवर कराने पड़ते थे। यहाँ पे ये कि हर टीम जो ना अपने स्पिनर पे रिलाइज करता है, तो हर स्पिनर तकरीबन 25 से 30 ओवर लंबे स्पेल करता है। तो जब स्पिनर 25 से 30 ओवर करता है स्पेल में, तो 4-5 आउट हो जाते हैं। जो स्पिनर्स 25-30 ओवर करता है उसमें 4-5 आउट हो जाते हैं, तो ये वजह है सबसे बड़ा। जी देखो, बिल्कुल, ये बॉलिंग ऐसी चीज़ है, जितना मैच में करोगे उतना आपको सीखने को मिलता है। तो जब बंदा बड़े स्पेल करता है, बड़े स्पेल में फिर आपको ना कुछ ऐसे बॉल हो जाते हैं जिसमें आपको सीखने के मिलता है कि ये बॉल ऐसे हुए, तो बिल्कुल बड़े स्पेल से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। लेकिन एक्सपीरियंस लिहाज ये कि 7-8 साल हो गया माशाल्लाह, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा हूँ, पाकिस्तान टेस्ट टीम भी 3-4 टूर किए हुए, PSL 3-4 खेला हुआ हूँ, लेकिन ये कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छी है, सीखने को बहुत कुछ मिला हुआ है, बड़े प्लेयरों के साथ ड्रेसिंग रूम में शेयर किया हुआ है, सीखने को बहुत कुछ मिला हुआ है। अब ये कि इंशाल्लाह उसको कंसिस्टेंस रखना, इसके लिए ज़रा फोकस हो रहा हूँ। देखिए, बिल्कुल, जो ये सीज़न है हमारे ख्याल से जब स्टार्ट हो रहा था कद आज़म ट्रॉफी, तो सबसे पहले सिंध की टीम फेवरेट थी, क्योंकि इसमें यंगस्टर बहुत अच्छे और असद भाई थे, सऊर शकील जो टॉप स्कोरर है, तो यकीनन सिंध की टीम फेवरेट थी। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हम बॉलर्स पे सिंध की टीम ओवर कर रही थी उस तरह हमने करके नहीं दिखाया। तो ये है कि बाकी हम लोग 3 से 4 मैच ऐसा क्लोज ड्रा कर दिया, जिसकी वजह से अगर हम वो जीत जाते तो शायद अभी हमारा पोजीशन कुछ और होता।